मैं एक दिन पहले भी कहा कि जिहड़ा भगवंत मान है एक नास्तिक बंदा है, इहनू किसी धर्म की मर्यादा बारे नहीं पता। जिहड़ा इंसान शराब पी के गुरु घर जा सकता है ते ओह फिर ओह तो की एक्सपैक्ट कर सकते हो? उन्हें यह नहीं पता कि जे अज मुख्यमंत्री बने अपने दम से नहीं बने, वो परमात्मा की बख्शिश हुई तो इनू मौका मिले। अज जो हालात पंजाब दे है, मैं पिंडा जाना शहर जाना, लोग इन्ने दुखी होए पे है। आ जो 2022 साल टपया है, मैं कह सकता अपने पंजाब के इतिहास में पंजाबियों का सब तो औखा साल जो कोई टपया है वह 2022 टपया। जो कोई नवी सरकार बनती है एक चाह होंदा है कि साड़ी नवी सरकार ते असी कोई नवी चीज़ देखांगे। नवी चीज़ की देखनी सी कि इत्थे तां खलारा पै गया पंजाब, अपने पंजाब की इंडस्ट्री हुण यूपी जान लग गई। हुण कल पता लग्या कि होजरी इंडस्ट्री पंजाब की जम्मू कश्मीर जान लग गई, उन्होंने प्लैन बना लिया जम्मू कश्मीर। जे साइकिल इंडस्ट्री होजरी इंडस्ट्री जिहड़ी अपनी जिवें नीह है पंजाब की इंडस्ट्री की, जे वह पंजाब च ना रही तो फिर पंजाब का होगा की? आ कारण की है? मैं होजरी वाले नूं पुछया, मैं इंडस्ट्री दूजी कंपनियां नूं पुछया, वह कहिंदे तीन चार वड्डे कारण है। एक तो पंजाब विच कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, पांच साल कैप्टन ने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। भगवंत मान ने तो बनाने की सी, जिथे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि करना की है, की इनसेंटिव मिलेंगे। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी असी बनाई सी उहदे करके ही पंजाब च इंडस्ट्री आई सी। उदों जिन्नियां रिफाइनरियां आई हैं इत्थे, टैक्सटाइल मिल लगी हैं इत्थे, IT सैक्टर आया है ऐसे, दूजे फूड प्रोसैसिंग दे ITC वर्गियां कंपनियां आई हैं, तो इत्थे टूरिज्म डिवेलप होया साडी इंडस्ट्रियल पॉलिसी करके सी। पर जो साडी पॉलिसी लैप्स हुई, इन्हां दा मतलब सी उहनूं रिन्यू करना या कोई अगे वधाउणा। जिहड़ियां इनसेंटिव असी अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी दित्ते सी उही इनसेंटिव अज योगी की सरकार यूपी दे रही है सानू देख के, तो वही इनसेंटिव हूँ जम्मू कश्मीर ने देना शुरू करता, तो इंडस्ट्री इतों भजन शुरू हो गई। दूजी गल जी है, अज आप सरकार आउटसोर्स करता, पंजाब सरकार पंजाब के इलैक्टेड बंदे नहीं चला रहे, दिल्ली तो केजरीवाल की टीम पंजाब सरकार चला रही है। केजरीवाल दे बंदे DGP नाल मीटिंग करते हैं, केजरीवाल दे जिहड़े बंदे उह चीफ सैकटरी नाल मीटिंग करके सारे अफसरां दीआं मीटिंगां विच मिनिस्टर तां कल्ला मूंह दिखाई वास्ते बिठाया हुंदा, सारी मीटिंग्स उह भाई केजरीवाल दे बंदे करते हैं। हुण केजरीवाल दे बंदिआं नूं की लगाया पंजाबीआं नाल? उह तां इत्थे लुट्टण वास्ते आए है। तुसीं हालात देख लो किन्ना झूठा प्रचार। कल मैं देख रहा भगवंत मान का बयान, कहता मैं 20,000 नौकरी दे दी। मैं एक बंदे का नाम तो दसो, 20,000 कि नौकरी दे दी, झूठ बोली जाऊगा। फिर टोल प्लाजे का वो पीरियड खत्म हो गया, 20 साल हो गए पूरे, जाके आऊगा उत्थे स्टेज जाऊगा जी, मैं टोल बंद करता। जे भगवंत मान साहब थोड़ी इन्नी टोल बंद कर दी है, जिहड़ा इहदा अग्रीमेंट नहीं खत्म होया घट तो घट एक तो बंद करके दिखाओ, फिर लोगों को क्यों झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो? आ जिहड़े इन्होंने आ जिहड़े एक महला क्लीनिक बनाए सी किधर गए हुण? जिहड़े डाक्टर जिला हस्पताल तो भेजते सी साडे सेवा केंद्र बंद करके उन्होंने बनाते सी, अज उत्थे भी है नहीं, दवाइयां है नहीं। कोई सरकार लगती है गुंडागर्दी की सरकार है। अज अतवाद ऐ लग्या जिवें अतवाद का समा सी, लोगों की दहशत का माहौल, कोई पंजाबी रात को शाम को बाहर नहीं जा सकता, लोग डरते अपने घर तो बाहर निकले, दुकान बंद कर फिरते हैं। हुण तां शरेआम दिने ही
दुकाना ते लोकी आउंदे आ बंदूक लै खा के उत्थे चोरी कर लैंदे आ। जिन्नी फरौती अज इंडस्ट्री तो गई है, इंडस्ट्री मैंने वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीज नाल गल हुई है, वो कहिंदे सारयां ने फरौतियां दित्तियां, मैनू नहीं ना पता किसे दा जिन्हें फरौती ना दित्ती होए, क्योंकि उन्होंने पुलिस ते पंजाब भगवंत मान की सरकार ते विश्वास ही उठ खड़ा है। जे जिस सूबे दे वी लोकां दा विश्वास सरकार ते हट जाए तो वह सरकार किवें चलूगी। अज दफ्तर चल नहीं रहे, सारे मुलाजम सड़कां ते है, सड़कां बंद होईयां पईयां, धरने लगी आते हैं। अज साल ही होया, मैं तो अज परमात्मा चरणां नाल ही दस बेनती करी कि इहदे इहनूं कोई समत बख्श। हुण साडे कोल कोई चारा नहीं है पंजाबियों कोल, क्योंकि हुण चार साल एज पर लॉ कानून दे तहत, पांच साल उन्होंने पूरा, क्योंकि 92 MLA देते, 92 MLA हुण पांच साल कानूनी तौर पर हुण कोई हटा नहीं सकता, पर घट तो घट साडियां मुश्किलां नाल वधाए। मैं भगवंत मान वाही बेनती करदा, जे तैनूं जे सही मैंने तो भगवंत मान जे पंजाबियों का सिंसेर है, वह तो सरकार चलनी नहीं, मन जे कि मैथों गलती हो गई असी एप्रीशिएट करांगे, असी उन्हें कहांगे चंगा घट तो घट पंजाब नूं बचाउण वास्ते अपना इस्तीफा तो दे के कुरबानी दे गया, क्योंकि जे आ चलदा रहा भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी सरकार चलदी रही, पांच साल च सारियां फैक्ट्रियां बंद हो जांदियां, इत्थे गुंडागर्दी दा राज हो जूगा, इत्थे ऐ जिवें बाहरले तालिबान नूं जिहड़ा जी आउंदा वह करी जांदा उह जिहा हालात बन जूगा, तो फिर इत्थे रहना बड़ा औखा हो जाणा, तो उह जी स्थिति बन गई तो फिर उन्हों स्थिति उतों कढ़ना ही बड़ा मुख हो जाए। अज इन्ना करजा ले लिया ने, देखो 7 महीने के अंदर 8 महीने 30,000 करोड़ रुपया करजा ले लिया, इनू यही नहीं पता कि आमदन किवें वधाउणी है। बिजली महकमा दे मैं सारे पंजाबी अज दसना चाहना, नवा साल शुरू होया, असी हैं जिन्हां ने थर्मल प्लांट बनाए, दोनों थर्मल प्लांट, तिन्ने थर्मल प्लांट असी बनाए, आई भगवंत मान आई कांग्रेस ही कहिंदे सी वो थर्मल प्लांट बंद होने चाहिए है, ना कांग्रेस ने बंद किए तो ना हूँ भगवंत मान कर रहा, क्यों? उन्हें पता है कि वही सही फैसला सी, जे साडे थर्मल प्लांट बनाए अज पंजाब नूं बिजली दे रहे हैं, जे असी ना बनाए होंगे तो अज पंजाब च 15-15 घंटे बिजली कट होने सी, पर जै जी हालात हुण है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवा कोई बिजली का प्लांट लाया तो न इन्हें तो की लाना सी भगवंत मान ने, हुण 7 साल हो गए एक नवा प्लांट नहीं लग्या, सगों जिहड़े पुराने प्लांट सी दो बंद हो गए है, डिमांड वध रही है हर साल 15%, हुण की कर रहे मार्केट तो खरीद रहे हैं, कितनी देर खरीदने मार्केट तो, आज तक 4 रुपये की मिल रही है, अगले साल 10 रुपये की मिलेगी, फिर 20 रुपये की मिलेगी, तुसी एडे 20 रुपये लैके तुसी अपने लोगों फिर होगा कि रेट बदल के थोड़े बिजली के, इन्हों सरकार चलानी नहीं आती, इन्होंने सब तो पहले नवे बिजली के प्लांट लाने चाहिए जिवें असी किते, पर इन्हां दे मन च ही है कोई कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह नहीं, जदों बिजली वाधू हो महंगी होगी इन्नी फिर इंडस्ट्री ने भजना, जे घर की बिजली 8-8 रुपये हो गई, 10-10 रुपये हो गई, 12 रुपये हो गई, इतने तो लोगों की चीखा निकल जानी, इन्ना बुरा हाल हो जाना। तो मैं सिंसेयरली कह रहा अपील करता भगवंत मान को, थोनू दो मौका दिता है, हूँ जोड़ा होशापंथी के काम च आए हैं होशापंथी छड़ दौ, घर तो घट जे एक सलाह की लड़ है सलाह ले लो, किसी तो ले लो, सातों मंगनी चाहिए सलाह असी दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब ज बिगड़ गए हालात, बॉर्डर का सूबा है पाकिस्तान नाल अपना लगता है, पाकिस्तान ने वो फायदा लेना तो इतने वो हालात बना देने जोड़े 20 साल पहले से। सो 2023 शुरू होया, मैं तो आई अरदास बेनती करता है कि भगवंत मान जी ते आम आदमी पार्टी सरकार को परमात्मा कुछ मत दे कि इन्हों की मेहर करेगी या कोई अकल का काम कर लग जा। मैं उ पूछना तुम दसो माफिया है कितने हो, सब तो सानू कहते सी रेत माफिया, सब तो सस्ता रेता श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान सी, साड़ी सरकार कांग्रेस सरकार है दुगना हो गया, हुण तो 4 गुना हो गया, रेत माफिया वो बने फिरते है, नशा अज जिन्ना नशा अज हैगा
अकाली दल की सरकार से इना इना नहीं सी जिन्ना हुण हो गया। तो फिर की है, लॉ एंड ऑर्डर इतने खराब है, नशा की नहरा वगी जाती है, ना रेता मिले, इंडस्ट्री भची जाती है। पहले लोग यूपी बिहार तो कम कर आते इतने पंजाब, अज पंजाब की इंडस्ट्री यूपी बिहार जान लग गई। हालात देखो की है, बदल दिता पंजाब, पंजाब की बेचारे बड़े पंजाब बड़ा तिनका तिनका कट्ठा करके असी पंजाब नू बिल्ड किया। मैं पंजाबियों नू आई कहना चाहना सारे नू, सोचो जिहड़ियां सड़कां बनाईयां, सड़कां दा जाल चार छे लेन दियां सड़कां पूरे पंजाब च है, वह श्रोमणी अकाली दल की सरकारां ने बनाईयां। एयरपोर्ट बने श्रोमणी अकाली दल की सरकारां ने बनाए, जिन्हें बिजली के थर्मल प्लांट सोलर प्लांट लगे श्रोमणी अकाली दल की सरकारां ने बनाए, जिन्हिया पक्के खाले नहरां कसियां किसानों वास्ते मंडियां श्रोमणी अकाली दल की सरकारां ने बनाए, जे गरीब नू आटा दाल शगन पेंशन सारिया चीज़ां श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बनाए। एक भी निशानी ना कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार की है तो आम आदमी पार्टी से छड़ दिओ, जे इन्ने साल एक भी निशानी इन्हां दी नहीं है तो फिर सोचिए कि आप गलती की थी? कि पंजाब का असली वारस केड़ी पार्टी है? असली वारस पंजाब दी श्रोमणी अकाली दल है। असी जिउणा मरना पंजाब वास्ते है, मरदे रहे हैं पंजाब वास्ते। शहीदां शहीदां दी जथेबंदी क्यों कहा जाता है? पंजाब दे हक लई लड़ाई लड़दे हैं। हुण पंजाब दी पाणियां दी गल है, पंजाब का पानी दो समय पंजाब तो खोया गया। एक राजस्थान में जो अद्धा पानी दिता गया, राजस्थान में जिहड़ी नहर कढ़ी है किने कढ़ी है? इंदिरा गांधी ने कढ़ी है, तो दरबारा सिंह मुख्यमंत्री ही धक्के नाल पंजाब का पानी राजस्थान देता जिथे वो हक ही नहीं। दूजी बार एस वाई नहर भी इंदिरा गांधी ने कढ़ी, तो कांग्रेस ही हुण पंजाब पानी की गल करते। हुण भगवंत मान मीटिंग करन की जांदा है? जो पानी है नहीं आप कोई चीज़ नहीं, जो आप घर वेचने नहीं फिर आप बाजार जाऊँगे किस वास्ते? जिन्हें घर ही नहीं वेचना तो बाजार क्यों जाऊगा? भगवंत मान मीटिंग जाना नहीं चाहिए, स्पष्ट कहना मैं नहीं आता। असं जो जो पानी देना ही नहीं तो फिर मीटिंग किस वास्ते? आ मीटिंग के ड्रामे एक हो गए, भगवंत मान के उत्ते केजरीवाल पूरा जोर ला रहा, प्रेशर पा रहा कि किमें ना किमें पानी दिल्ली में पहुँचाओ, क्योंकि इन्हों की मंग है, क्योंकि आ नैशनल पार्टियां है, इन्होंने हरियाणा इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने दिल्ली लड़ना है, इन्हों की सोच कांग्रेस की। हूँ राहुल गांधी पंजाब आ रहा, उन्होंने पूछो पंजाब का पानी पंजाब रहना चाहिए कि हरियाणा जाना चाहिए? सवाल दस राहुल गांधी कांग्रेस ही दस। तुम साढ़े किसी अकाली वर्कर तो लीडर तो पूछ लो, कहते मर जाएंगे पर एक बूंद पानी की असं बाहर नहीं जान देवे। ना कांग्रेस ही कह लीडर इन्हों के, ना बीजेपी कहे, आ केजरीवाल ने तो कहना की सी? इस करके मैं आई पंजाबियों को कहना, आप हर बार एक मौका इनू दे दियो, एक मौका इनू दे दियो। असी लोग आ जिहड़े लोग मौके मंगण वाले ना, आ सारे लुटण वाले है, फ्रॉड बंदे है। इन्हां दा पिछोकड़ देखो कि इन्होंने पंजाब प्रति किया, अकाली दल का श्रोमणी अकाली दल का पिछोकड़ देखो। 100 साल पुरानी पार्टी, 102 साल हो गए आजादी तो पहले भी आजादी के बाद भी, देश खातर ते पंजाबी ते सिख कौम खातर उन्हें शहादत दी है। तो ऐसी पिछोकड़ वाली पार्टी आप भुल जाएंगे तो दूजे के अगे लगेंगे, नुकसान तो होना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.